বস, তোমার ইয়ে সাউন্ডটা একটু চেক করে নিও, ব্রেক করছিল। নমস্কার কিসান দোস্তো, আপ সভি কা স্বাগত হ্যায় বায়ো রেশনালস নেক্সট কি এক নই কড়ি মে। জেসা কি আপ জানতে হ্যায় বায়ো রেশনালস নেক্সট এক এসি শৃঙ্খলা হ্যায় জো সুমিতোমো কেমিক্যাল ইন্ডিয়া লিমিটেড নে শুরু কি হ্যায়। আপ সভি কো বায়ো রেশনালস কে বারে মে সম্পূর্ণ জানকারি দেনে কে উদ্দেশ্য সে ইস শৃঙ্খলা কে মাধ্যম সে হামারা ইয়ে উদ্দেশ্য হ্যায় কি হাম সভি তক ইয়ে বাত পৌঁছা সকে কি সভি কো ইয়ে অ্যাওয়্যার কর সকে কি এক্স্যাক্টলি বায়ো রেশনালস ক্যা হ্যায় অর আপ কেসে ইনকা ইস্তেমাল কর সকতে হ্যায় আপনা উৎপাদন বড়ানে মে। অর ইসি শৃঙ্খলা কে অন্তর্গত হাম লোগো নে কাফি স্টেটস মে কিসানো কে সাথ এসে হি মিটিংস কি হ্যায় জহাঁ পর উনহে বতায়া হ্যায় অলগ অলগ ক্রপস কে বারে মে অর উনহে বতায়া হ্যায় কি বায়ো রেশনালস কা ইস্তেমাল হর ক্রপ মে কেসে কিয়া জা সকতা হ্যায় অর কেসে হাম পৌঁছা সকতে হ্যায় কৃষি উৎপাদন কো এক নয় আয়াম কি ওর বায়ো রেশনালস কা ইস্তেমাল করকে। আজ কি হামারি ইস কড়ি মে হামারে সাথ জুড়ে হ্যায় আসাম সে শ্রী সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রী সুবীর মজুমদার অর বায়ো রেশনালস নেক্সট জো শৃঙ্খলা হ্যায় উসমে সতত শাশ্বত হামারে সাথ বনে রহনে ওয়ালে শ্রী সাগর যাদব। অর আব মে আমন্ত্রিত করনা চাহুঙ্গি শ্রী সাগর যাদব কো কি ও আয়ে ইহাঁ পর অর বতায়ে বায়ো রেশনালস কা কনসেপ্ট অর সাথ হি আপকো বতায়ে কি আপ কেসে ইসকা ইস্তেমাল কর সকতে হ্যায় কৃষি উৎপাদন কো এক নয়ি দিশা দিখানে কে লিয়ে। তো জেন্টলম্যান সাগর যাদব ফর ইউ। थैंक यू वेरी मच जी। सुबीर जी प्रेजेंटेशन प्लीज। हमारे जितने भी टी ग्रोवर्स इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और आगे जाके जितने भी टी ग्रोवर्स इस प्रोग्राम को देखेंगे, उन सभी टी ग्रोवर्स को मेरा नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आपका इस प्रोग्राम में जो सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड इस कंपनी द्वारा आयोजित किया है, जिसका नाम है बायो रेशनल नेक्स्ट। दोस्तों, टी एरिया में सुमितोमो केमिकल काफी सालों से काम कर रही है और हमारे जो उत्पाद है, जो सेफ केमिस्ट्री है, मॉलिक्यूल्स है, हमारे काफी टी ग्रोवर्स इसका इस्तेमाल सालों से करते आए हुए हैं। पिछले कुछ सालों में हमने एक चीज देखी है कि टी इंडस्ट्री काफी चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ रही है और सुमितोमो केमिकल ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की है कि कैसे हम एक बेटर एजुकेट कर सकते हैं और सुमितोमो की जो बायोरेशनल उत्पाद है उसका उपयोग करके हमारी इंडस्ट्री को कैसे और अच्छे से डेवलप किया जा सकता है और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को कैसे हमें बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसी के साथ हमने एक चीज यहाँ पे देखी है कि टी इंडस्ट्री में जो बायोरेशनल प्रोडक्ट का योगदान है वो काफी रहा है, लेकिन आज भी जब बायोरेशनल प्रोडक्ट का उपयोग करने का समय आता है तो कई बार कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह या एक जेन्युइन बायोरेशनल प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल ना होने के कारण हमारे टी ग्रोअर्स चाहकर भी उन बायोरेशनल प्रोडक्ट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, तो इस श्रृंखला के द्वारा हमारा उद्देश्य ये है कि हम सुमितोमो केमिकल के जो बायोरेशनल प्रोडक्ट्स है जो हमने डेवलप किए हैं उनका उपयोग जो है टी गार्डन्स में हम कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी आपको इस श्रृंखला के द्वारा दे और बायोरेशनल उत्पादन इस्तेमाल करते हुए कैसे हम सेफली टी का प्रोडक्शन कर सकते हैं उसकी हम जानकारी लें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बायोरेशनल की तो बायोरेशनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉर्मली जो उनके रॉ मटेरियल्स होते हैं वो इधर बायोलॉजिकल होते हैं या नेचुरल सोर्सेस से डेवलप होते हैं। नॉर्मली हम आपके सॉइल के लिए, प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी के लिए, पेस्ट जो इन्फेस्टेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उत्पाद जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उनकी कैटेगरी हम देखें तो बेसिकली दो तरह के मॉलिक्यूल्स वहां पे आपको दिखाई देते हैं। एक होता है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो, और दूसरे होते हैं जो कंप्लीटली बायोरेशनल है, बायोलॉजिकल्स है और जो तैयार होते हैं नेचुरल या बायोलॉजिकल सोर्सेस से। तो ये जो उत्पादन है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो कंप्लीटली बायोलॉजिकल या नेचुरल सोर्सेस से डेवलप किए गए हुए
और जब हम इनका उपयोग हमारे टी गार्डन्स में करते हैं तो वहां पे कोई भी जो रेसिड्यू का इशू है, टी गार्डन्स में रेसिड्यू एक हेलो जी कंसर्न रहता है, कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए इन बायोरेशनल का हम अच्छे से अच्छा जो है उपयोग वहां पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल हमेशा आता है कि हमें बायोरेशनल का उपयोग टी गार्डन में क्यों बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये चीज तो मैं भी मानता हूं कि कंप्लीटली हम ऑर्गेनिक पे नहीं जा सकते हैं। जिस वे पे जो हमारे पास चैलेंजेस है टी गार्डन्स में, कंप्लीटली 100% तो हम मूव और शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हम इसका उपयोग कर सकते हैं टी गार्डन्स में, उतना रेसिड्यू मैनेजमेंट में हमें फायदा होगा, उतना हमें एक सेफ प्रोडक्शन जो है टी का वो वहां पे हम ले सकते हैं। नंबर फोर अमित दुटो, तो ये किरणजीत जी प्लीज आप म्यूट पे हो जाइए। सवाल हमेशा आता है कि बायोरेशनल का उपयोग फिर क्यों करना है। देखिए दोस्तों, जिस वे पे हम जो नॉर्मली पेस्टिसाइड जो है इसका उपयोग कर रहे हैं टी गार्डन्स में, अदर क्रॉप्स में, हमें और जिस वे पे ये सब चीजें दिन ब दिन हमें चैलेंजिंग बन रही है। किरणजीत जी आप कृपया म्यूट पे हो जाइए। तो कहीं ना कहीं वहां पे हमारा इकोलॉजी का बैलेंस जो है वो ढल रहा है, क्योंकि जो भी प्रैक्टिसेस हम वहां पे फॉलो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके सॉइल पे है, आपके वाटर पे है, आपके एनवायरमेंट पे है, आपके जो भी पशु और बाकी चीज आपकी इकोलॉजी में है वो सारी चीजों पे इम्पैक्ट है। तो अगर हम बायोलॉजिकल्स का बायोरेशनल का यूज वहां पे अच्छे से करते हैं तो फिर से एक बार हम इकोलॉजी का बैलेंस जो है वो फिर से एक बार लेके आ सकते हैं, ताकि हमारे जो कुछ अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वो चैलेंजेस अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। उसके साथ टी डायरेक्टली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है जो कंज्यूम होता है डायरेक्टली, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जीरो तो ना कहूंगा लेकिन कम से कम रेसिड्यू, कम से कम वहां उसमें केमिकल के साथ वो प्रोडक्शन के लिए हम उसको दे, ताकि जो कंज्यूम करेंगे वो उनके लिए बिल्कुल सेफ जो है वो टी का प्रोडक्शन हम वहां पे दे सकते हैं। बायोरेशनल की अगर मैं खास बात करूं तो वो बिल्कुल ही टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। जो पेस्ट इंसेक्ट के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो वो उसी पे काम करेगा, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है आसाम है, वेस्ट बंगाल है, वहां पे जो टी ग्रोवर्स है वो काफी ये काफी बड़ा कंसर्न रहता है कि जो भी अगर प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं वो जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है सॉइल फ्लोरा में हो या फिर ऊपरी हिस्से में हो उससे कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए, ओवरऑल उससे कोई डिस्टर्बेंस आना नहीं चाहिए। तो बायोरेशनल का अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली ये टारगेट स्पेसिफिक होने के कारण वहां पे आपको ये नुकसान जो है वो नहीं दिखता है। और जैसे कि मैंने कहा ये नेचुरल सोर्सेस से तैयार होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेस से तैयार होते हैं, तो ये कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल है। इनका कोई भी रेसिड्यू जो है ना तो आपके पानी में ना तो आपके सॉइल में रहता है, जैसे ही हम इनको इस्तेमाल करते हैं कम्प्लीटली वो बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। लेकिन अब जो चैलेंज है नेक्स्ट, कि बहुत सारे हमारे टी ग्रोवर्स है वो यूज करना चाहते हैं बायोरेशनल को, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल्स नाम के नीचे, बायोरेशनल नाम के नीचे जो गलत प्रोडक्ट पुश किए जा रहे हैं उसके कारण कहीं ना कहीं फिर से एक बार वो केमिकल पे ही चले जाते हैं, या वो बायोलॉजिकल के नाम के नीचे जो है वो केमिकल ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य है कि जो जेन्युइन बायोलॉजिकल बायोरेशनल प्रोडक्ट है सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड के, वो उसकी जानकारी हम आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से दे, ताकि जो भी टी ग्रोवर्स बायोरेशनल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अच्छे से उसको कर सकते हैं, और जो भी उनका मतलब ऑब्जेक्टिव है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का वो वहां पे बड़ी इजीली वो वहां पे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो सुमिटोमो केमिकल इंडिया ये जो कंपनी है बायोलॉजिकल या बायोरेशनल की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट सुबीर, तो ये जो कंपनी है सुमिटोमो केमिकल, इनका जो प्रोडक्शन है वो वैलेंट बायोसाइंस यूएसए, यहां से ये इंपोर्ट किए गए हुए सारे बायोरेशनल प्रोडक्ट्स है, और वैलेंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी बायोलॉजिकल कैटेगरी में काम करने वाली कंपनी है।
जहां वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ बेस्ट साइंटिस्ट जो है वो काम करते हैं और आपके सॉइल के लिए, आपके पेस्ट इन्फेस्टेशन कंट्रोल करने के लिए, चाहे आपके ग्रोथ और क्वालिटी जो है वहां पे प्रोड्यूस की वो अच्छे से मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरह के वहां पे प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किए जाते हैं। और उसी रिसर्च का और उसी डेवलपमेंट का ये रिजल्ट है कि हम भारत में आज ऐसे चार उत्पादन हमारे पास है जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, बायोरेशनल है, जीरो PHI, जीरो MRL, जीरो रेसिड्यू, इसके साथ ये प्रोडक्ट यहाँ इंडिया में रजिस्टर्ड हुए है और अलग अलग चीजों पे ये काम करते हैं। लेकिन जिस चीज के लिए हम उसको रिकमेंड करते हैं वो बेस्ट ऑफ बेस्ट वहां पे वो काम करता है, चाहे भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला माइकोराइजा नेचर डीप हो, चाहे टी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड BT बेस्ड बैसिलस थरनजेनेसिस डाइपेर हो, या ओवरऑल प्रोडक्शन डेवलपमेंट के लिए और क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए टी में जो इस्तेमाल अभी काफी लोग कर रहे हैं वो प्रोजीप हो या प्रोजीप इजी हो। तो चलिए इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं। इसके लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं मिस्टर सुबीर, और उनके साथ हमारे और एक्सपर्ट जुड़े हैं मिस्टर संजय। वो काफी साल से टी में जो है वो काम कर रहे हैं और काफी बड़ा एक्सपीरियंस उनका टी इंडस्ट्री में रहा है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जितने भी टी ग्रोअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको अच्छे से ये बायोरेशनल प्रोडक्ट का जो इम्पोर्टेंस है, यूसेज है, बेनिफिट है वो हमें बताएं, और कैसे इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन और साथ ही साथ सेफ जो प्रोडक्शन है जिसको कहते हैं वो हम ले सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुबीर जी, आप कृपया, संजय जी आप कृपया स्टार्ट करिए। राइट, थैंक यू सागर फॉर द नाइस बिगिनिंग। सुबीर प्लीज शो द स्लाइड्स। सुबीर शेयरिंग ना? या तो हम लोग ये नेचर डीप प्रोडक्ट के बारे में शुरू करेंगे। ये हम लोगों का प्रोडक्ट है, मतलब ये नाम जो है इसका नेचर, तो नेचर से ही बना हुआ है ये प्रोडक्ट। मैं पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट में जाने से पहले ये है क्या थोड़ा सा इसको ओवरलुक कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को लेके हम लोग पिछले 3 साल से बहुत डीपली काम कर रहे हैं इन डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग इस प्रोडक्ट को लेके काम किया है। इससे पहले और डीप जाने से मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे रामायण में एक बार लक्षण जी का वो ऐसे हो गया था कि उसका डेथ हो गया था, तब जाके हनुमान ने वो पहाड़ से एक पौधा लेके आया था, तो जैसे संजीवनी होता है ना ऐसे ही, तो उसको देने के बाद लक्ष्मण का फिर जान रिटर्न आ गया था। तो ये प्रोडक्ट जो है ना नेचर डीप पौधे के लिए, मतलब वो बेस्ट है, मतलब आप किसी भी सिचुएशन में आपका पौधे में नेचर डीप देने से आपका पौधे में जान आ जाएंगे। तो इसमें अभी पॉइंट वाइज हम जाते हैं, इसमें आपका बहुत अच्छे तरह का एंडो माइक्रोएजिया से बना है। ये 2 तरह का माइक्रोएजिया होता है, एक्टो माइक्रोएजिया, एंडो माइक्रोएजिया। तो मेनली एंडो माइक्रोएजिया हम लोगों का चाय बागान में यूज होते हैं। इट इज प्योरली इम्पोर्टेड फ्रॉम वैलेंस बायोसाइंस USA, जो सुमिटोमो का है, और नीचे लिखा है इट इज टोटली ओमरी सर्टिफाइड, माने 100% बायो प्रोडक्ट एंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ माइक्रोएजिया एंड द इंडियाज बिगेस्ट ब्रांड इन माइक्रोएजिया। नेक्स्ट, ये जो नेचर डीप है इसमें सुबीर का, नेक्स्ट ये देखिए, आपको मैं नीचे से ऊपर जाता हूं। पहले आप नीचे वाला देखिए, एक जंगल सा लग रहा है, एक जाली सा लग रहा है, ये है नेचर डीप का जो काम है। दिस इज व्हाट नेचर डीप इज डूइंग अंडर द सॉयल। ये आपका मिट्टी के नीचे जाते हैं, जाने के बाद ऐसे फैल जाते हैं,
आराम से फैल जाते हैं और बहुत सारा आपका ये रूट्स जो आप देख रहे हैं ना, रूट्स के साथ ये एक कॉलोनी तैयार करता है। एंड ये कॉलोनी जब रेडी हो जाता है, और चाय ऐसे एक क्रॉप है, आप लोगों को पता है इसके जो एक 1.5 फीट 2 फीट का एक एक बूश लगा होता है, तो आप लोग समझ लो एक एक एकड़ का एक जमीन है, उसमें अगर आपका 7,000-7,500 टी प्लांट है, जैसे हम लोग मानते हैं एक हेक्टर में 15,000 टी प्लांट रहता है, तो अगर 15,000 टी प्लांट एरिया में अगर सॉयल में ये नेचर डीप आपका आराम से दिया हुआ है, और ये कॉलोनी जो है एक के साथ एक जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद ये नीचे क्या माहौल तैयार करता है, हम इतना इजीली बोल रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया व्हाट इज नेचर डीप, क्योंकि साइंस का बात बोलने से पता नहीं है। प्रैक्टिकली जो ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों का काम करने के बाद, पौधा लेने के बाद, इसको ये हम लोगों का 2 महीना बाद इस पौधे को हम लोग उठाया था, उठाने के बाद इसको कैमरा से हम लोग शूट किया था, और जो रूट सिस्टम नीचे जेनरेट हुआ है, ये रूट सिस्टम नेचर डीप में होता है। अभी ये प्रोडक्ट कैसे देना है, कब देना है, इसमें थोड़ा सा हम लोग ज्यादा अंदर चलते हैं। जैसे आपको देख रहा है इसका फास्टर, देखो एक बार मिक्सिंग में दिखा देता हूं, ये मिक्सिंग होता है मिट्टी के साथ मिला के इसको, जैसे आपका नया प्लांटेशन हो रहा है तो इसका हर एक पीट में आपको 0.07 करके देना है। इसका मीडिया रहता है, काउडंग रहता है या भार्मी कंपोस्ट रहता है, इसके साथ आपको मिलाना पड़ता है। हम लोगों का रेस्पेक्टिव जो है गाइस, वो आप लोगों को बताया है, आप लोग ने भी यूज किया है, बहुत सारे लोग यूज किया है इसको, एक तरह से यूज किया है। इसके बाद मिट्टी के बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं ट्रीटेड और अनट्रीटेड वाला जो देख रहा है, अनट्रीटेड में देखिए आपका नीचे जो जाली है वो एकदम नहीं है, लेकिन ट्रीटेड वाला ये ज्यादा नहीं है, दो महीना का टी प्लांट है जो बाएं तरफ नीचे है ट्रीटेड वाला। लेकिन राइट साइड वाला जो बूश आप लोग देख रहे हैं, जो कि ऑलरेडी टेबल फॉर्मेशन हुआ है, ये आपका 6 महीना का टी प्लांट है। मैं प्रैक्टिकली होके पीछे में थियोरेटिकली आता हूं, ये 6 महीना का टी प्लांट है आफ्टर यूजिंग नेचर डीप इन द रूट सिस्टम। ये इसका होने से क्या होता है, इसका ओवरऑल ग्रोथ अच्छा होता है, इसका लीप का कलर बहुत अच्छा होता है, इसका जो स्टेम है स्टेम का थिकनेस बहुत अच्छा होता है, इसका इंटर्न नोड छोटा होता है। तो इसमें क्या होता है, नेचर डीप देने में आपका टेबल फॉर्मेशन होता है ना, चाय का टेबल होना पड़ता है। तो एक होता है कि टी प्लांट लगा दिया, 1-1.5 साल के बाद एक तो नॉर्मल टेबल फॉर्मेशन होता है। लेकिन मैं आप लोगों को दवा के साथ बोल सकता हूँ, चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, ये नेचर डीप देने के बाद 6-7 महीना में इसका टेबल फॉर्मेशन हो जाता है। आप कंपेयर नहीं कर पाओगे ट्रीटेड वर्सेस अनट्रीटेड से। सुबह पीछे वाला स्लाइड में जाना, ये देखिए फास्टर ग्रो अप न्यू प्लांट जो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट, एंड द प्लांट बिकम्स रेडी फॉर फ्रूटिंग अर्ली, आपका टेबल फॉर्मेशन हो जाता है तो आपका प्लांट पहले स्लाइड में देखिए स्ट्रॉन्गर प्लांट होता है, आपको दिखा है मैंने स्टेम कितना मोटा हो जाता है। एंड द मोर क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, आपको एक साल के बाद आपको क्रॉप मिलते जाएंगे। एंड द गिव इम्यूनिटी टू द हेल्थ प्लांट्स टुवर्ड्स वाटर स्ट्रेस, आपका इसका जो कहानी है ये मैंने आपको दिखाया, देखिए न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मूवमेंट जो है ये आपको पौधे के तरफ लेता है इस रूट सिस्टम के तरह। एंड ये एक तो लिंक बन जाता है आपका पौधे के बीच में। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इट इज हेल्प टू अनब्लॉक द फॉस्फोरस, एंड ये जो सिस्टम है मिट्टी में जो होल रहता है इसको अनब्लॉक कर देता है, उसके वजह से ये रूट्स के नीचे जो मेरे अच्छे अच्छे अनुखाद बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट जितना भी है उसको पौधे में अवेलेबल करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। इसका काम ही ये है कि आपका जब स्ट्रेस कंडीशन रहेगा, आपका जब पानी कम रहेगा, तब ये आपको पौधे को
सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करता है, उसको जीने के लिए हेल्प करता है। अभी आप लोग, हम लोग जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में 50% से 60% यूज होता है एंड 40% आपका मिसयूज हो जाता है। लेकिन ये अगर नेचर डीप आपका पौधे में दिया हुआ है ना, तो आप देखेंगे आपका जो मिसयूज वाला फर्टिलाइजर भी था वो आपको इजीली उसमें अवेलेबल हो रहा है, वो आपको देने में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया, देखिए अभी राइट साइड में मैं दिखा रहा हूं, जो एक तो ये देखिए नीचे रूट सिस्टम है, अभी रूट के ये जो नीचे डिप्लेशन जोन बोलता है, ये जो नीचे ब्लॉक करके है ना, इसका नीचे एक तो डिप्लेशन जोन बोलता है, मतलब रूट अपने जो नॉर्मल नेचर नॉर्मल रूट है वो कितना दूर जा सकता है, लेकिन नेचर डीप देने में वो इतना दूर, ये जो आपका डॉट 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 जो दिख रहा है उसके बाहर वाला जो है इसको बोलता है डिप्लेशन जोन, ये पूरा इतना तक रूट चला जाता है। इसलिए अगर कभी कहीं सीजन में अगर आपका बारिश कम हुआ, कहीं पे दूसरा प्रॉब्लम हो गया, कोई पे स्ट्रेस है, ड्रॉट है, या आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट इजीली आपको नहीं मिल रहा है, तो ये जो हाइपी, ये जो नीचे हाइपी जो क्रिएट हो रहा है, ये एकदम नीचे जाके आपको पूरा जो आपका विटामिन जो जितना भी है पानी है वो आपको पौधे में लाने के लिए हेल्प करता है। Does your plant is grow more faster, healthy fruits जो है उसका अच्छा है, क्योंकि नेचर डीप सिर्फ चाय में ही नहीं है, ऑल इंडिया में अदर्स बहुत सारे क्रॉप्स में देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप अपने घर में कोई भी पौधा है, अगर वो पौधा मर भी गया है, जैसे तुलसी का पौधा रहता है, तुलसी का पौधा मर जाने में हम लोग उसको उठा के फेंक देता है, ठीक है, आप वो मरा हुआ तुलसी का पौधा में नीचे थोड़ा सा दे दीजिए पानी के मिला में, और जस्ट 2 महीना वेट कीजिए, देखिए वो पौधा आपका पहले जैसा जिंदा होके एकदम भरा हो जाएगा, आपका घर वाले खुश रह जाएगा, क्या बेटा आपने क्या किया है। सो दिस इज व्हाट आवर नेचर डीप डज, ये प्रोडक्ट बोल के हम लोग इसको असम्मान नहीं करते, दिस इज द प्रेस्टीज, दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड, दिस इज द नंबर वन नेचर given products for the industry, not for in the tea industry, because चाय में हम लोग last 25 साल से research करने के बाद इसको हम लोग ने launch किया है, and it is already been passed from the Tokai also, हम लोगों के पास इसका papers भी है। Next, देखिए जो मैंने अभी पहले बोल रहा था, जैसे normal root system है उसका length है few mm, देखिए बाएं तरफ एकदम छोटा छोटा रहता है, लेकिन जो फांगी जो है माइक्रोएजिया का, जिसको हम लोग हाइपी बोलता है, इसका 20 से 25 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये टोटल जो है ना, जो इसके कारण ये जो इसका न्यूट्रिएंट इनफ्लो है, जो इसके नीचे से जो लेने वाला है सब कुछ पौधे में, ये इसका पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाता है। लेकिन राइट साइड में जो माइक्रोएजियल फांगी के तरफ एक तो हाइपी जैसा कॉलोनी बन गया, इसका न्यूट्रिएंट अपटेन एंड ये जो है आपका पानी वाला फर्टिलाइजर जितना भी है अपटेक करने में, ये कॉलोनी बहुत है, जितना बड़ा कॉलोनी होगा जितना फैल जाएगा आपका वो बुश का हेल्थ में पता चलेगा। आपको उतना कुछ दरकार नहीं है, आप जस्ट उसको लगाओ, लगाने के 3 उसमें दे दो, पौधे में रूट में दे दो, जैसे नॉर्मली आप यंग टी में दोगे, न्यू प्लांटेशन में दोगे, नर्सरी में दोगे, आप जिस किसी भी एरिया में दो आप आराम से दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों का डोज है 1 kg पर हेक्टर, ठीक है, तो 1 kg के हिसाब से हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए मैंने जो अभी तक इतना बड़ा वाला का बोला, इसका एक तो कंसोलिडेट में है, देखिए इंप्रूव्ड न्यूट्रिएंट अपटेक, नीचे से न्यूट्रिएंट लेने में ये हेल्प करता है, ये ग्रोथ है, एक तो ऑप्टिमाइजिंग ग्रोथ ये लाता है, बहुत अच्छा वाला देखने वाला, ठीक है, इसका ड्रॉट टॉलरेंस बहुत अच्छा हो जाता है, सीडिंग सर्वाइवल इसका बहुत अच्छा हो जाता है, सॉयल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो जाता है, एंड सॉयल का जो हेल्थ है ओवरऑल इसका बहुत अच्छा होता है। तो इसमें बेनिफिट्स जो है, ये प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल एंडोमाइक्रोबियल से ये बना है, इसका नाम है नेचर डीप, जो सुमिटोमो वैलेन क्रॉप साइंस का एक गिफ्ट है हम लोगों के लिए, प्लांटर्स के लिए, सब फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। नेक्स्ट, जो मैंने बोला सीड ट्रीटमेंट, ड्रिप ड्रेंजिंग एंड हैंड इरिगेशन जो भी है आप इसको दे सकता है, श्योर दैट नेचर डीप वुड बी रीच टू रूट जोन,
रूट में उसको जाना है और रूट में नहीं जाने से उसका कोई काम नहीं होगा. रूट इज द अल्टीमेट मीडिया फॉर दिस नेचर डीप एप्लीकेशन. नेक्स्ट. नेक्स्ट. इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप है, जैसे टोमेटो है, वाटरमेलन है, चिली, कैप्सिकम, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, पोटैटो, टर्मरिक, जिंजर, मतलब इतने सब में आप लोग देख सकते हो. कोई ये देखिए बनाना का देखिए, ये देखिए चिली का देखिए, ये देखिए टोमेटो का देखिए. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाय में दे सकता है, लेकिन इट इज आवर एडेड एडवांटेज बाय सुमिटोमो केमिकल कंपनी कि इट इज बीन अप्रूव्ड फॉर टी इंडस्ट्री एंड वी कैन यूज. हम लोग इसको बहुत बढ़िया तरह से चाय बागान में यूज करते हैं. आप लोग नए जो चाय गाछ है उसमें आप लोग पीठ में लगाना 0.07 ग्राम करके. नया प्लांटेशन है जैसे यंग टी है आपका 12 साल 14 साल 15 साल 20 साल का जो पौधा है उसमें आप कोला रीजियन में फॉर्किंग करके उसमें आप थोड़ा 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 देते जाओ. आप देखो पौधा का जो सिचुएशन है वो कैसे चेंज हो जाता है. लाइव एग्जाम्पल हुआ है डुआर्स में, चाय बागान में. एक बागान में 15,000 बूस लगाया था नेचर डीप से और प्लांटर्स ने लास्ट 40 इयर्स में फर्स्ट टाइम बोला कि एक भी प्लांट का डेथ नहीं हुआ है बाय बिकॉज ऑफ दिस नेचर डीप. 15,000 प्लांट ही सर्वाइव किया. मेरा रिक्वेस्ट है सर जी, ये प्रोडक्ट हम जितना बोलेंगे उतना कम है. आप लोग जब तक इसको यूज नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं है कि नेचर डीप प्रोडक्ट है ना आशीर्वाद है. नेक्स्ट. हाँ थैंक यू सर, थैंक यू शागर जी एंड थैंक यू गरिमा जी. मैं सुबीर बोल रहा हूँ, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ. मैं लास्ट 7-8 साल से कंपनी में हूँ. तो जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि सुमिटोमो कंपनी का प्रोडक्ट आज हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं. एक्चुअली सुमिटोमो के बारे में तो पहले सागर जी ने बताया, और जैसे हम लोग पढ़ाई में हम लोग साइंस पढ़ा था, लेकिन इस कंपनी में आके हम लोग एक्चुअली साइंस देखने को मिला. तो जितना प्रोडक्ट के बारे में बोलूं मतलब इतना ही कम है, और हर एक प्रोडक्ट एकदम यूनिक है. जैसे कि अभी जो आप लोग के सामने जो प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, ये डाइपेल है. तो डाइपेल इज मेनली फॉर लूपर. तो लूपर आज का दिन में जैसे आपका चाय में एस्पर TRA टोकलाई, तो जैसे आपका 9 टाइप्स ऑफ लूपर आपका अवेलेबल है. फिर आपका अगर एग्रीकल्चर में हम लोग जाए तो सब मिला के 50 प्रकार के आपका मतलब कैटरपिलर, लेपिडोप्टेरा ये सब मिलता है. तो ये डाइपेल जो प्रोडक्ट है ये किसी भी कैटरपिलर, किसी भी लूपर, रेड स्लग, कोई भी टाइप का हो, सब में किसी भी स्टेज में बहुत अच्छा काम करता है. तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, इसका जो काम करने का जो तरीका है, एप्लीकेशन टाइम है, और फिर आपका इसका इससे जो आप लोग का जो फायदा मिलने वाला है, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ. ये है आपका बायो पेस्टिसाइड्स. तो बायो पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या है? पेस्टिसाइड्स तो आपका जैसे मार्केट में बहुत है, लेकिन बायो पेस्टिसाइड मतलब ये ओनली जो इंसेक्ट को टारगेट करेगा. जैसे आप लोग लूपर के लिए यूज करेंगे, ओनली लूपर ही इसमें किल होगा, अदर जो पेस्ट है वो आपको बचा के रखेगा. अभी क्या है कि बागान में बहुत सारे आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट मिलता है, और जैसे आपका चिड़िया भी आता है, फिर आपका एनिमल्स भी आता है, फिर आपका जो लोग स्प्रे करने के लिए जाता है तो उन लोग को भी आपका कभी कभी आपका केमिकल से साइड इफेक्ट होता है. लेकिन ये जो डाइपेल है वो आपका 100% ऑर्गेनिक है, इसलिए ये आपका बायोपेस्टिसाइड कैटेगरी में दिया हुआ है. इससे आपका ये जो इकोलॉजी जो सिस्टम है कि ये आपका ओनली टारगेट पेस्ट जो है इसको बिना बाकी किसी को आपका हानि नहीं पहुंचाता है. फिर इसमें जो आपका
जो इसमें आपका जो जैसे आप लोग जैसे लूपर अगर लगने के बाद तो क्या होता है कि आप लोग बहुत सारे केमिकल आप लोग यूज करते हैं, तो ऐसे होता है कि एक दो प्रोडक्ट यूज करने के बाद जैसे दो राउंड यूज किया, तीन राउंड यूज किया, उसके बाद वो प्रोडक्ट पहले जैसे काम करता था उसके बाद और काम नहीं कर रहा है अच्छा से। तो आप लोग कभी कभी बोलता है या मार्केट से ऐसे सुनने को मिलता है कि प्रोडक्ट पहले जैसे काम करता था आजकल नहीं हो रहा है, तो कम प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी खराब हुआ है। वो एक्चुअली इससे कारण नहीं होता है, मेन कारण होता है कि ये जितना सा आपका केमिकल है तो वो लूपर का और नर्विंग सिस्टम में आपका कम होता है। तो अगर कोई एक दो लूपर अगर बच जाता है उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आता है वो केमिकल लेके आपका उसका जन्म होता है, फिर वो जो जनरेशन आया हुआ है वो पहले जो केमिकल उसका जो मतलब पहले का जनरेशन जिससे मरा था लेकिन वो उसका बाद वो उसी केमिकल में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि कंट्रोल नहीं हो पाता है और फिर आपका गार्डन जितना आपका क्रॉप है वो पूरा खराब हो जाता है, फिर आपका आपका लॉस हो जाता है, और आप लोग भी पूरा टेंशन में आ जाता है। तो इसका जो मेन सॉल्यूशन जो है ये आपका डाइपेल दे पता है आप लोगों को, ये डाइपेल जैसे वो सिंगल सिंगल भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर अगर आपका अगर कोई मॉलिक्यूल काम नहीं कर रहा है तो इसमें आपका कोई मॉलिक्यूल के साथ अगर कॉकटेल भी कर देता है उसका जो पहले जैसा एक्शन था वो एक्शन सेम आपका दोबारा आपको मिलने को मिलता है। तो इसका जो है जैसे को यहाँ पे दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस आपका ब्रेकर है, उसके बाद आपका जो गार्डन आपका जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी गार्डन जहाँ पे आपका MRL का जैसे इशू होता है तो वो उसी गार्डन में कोई आपका टेंशन नहीं है कि आपका 0 MRL का जो आपका होता है कि बायोपेस्टिसाइड है तो इसमें आपका कोई टेंशन नहीं है, ये कोई भी गार्डन आपका मार सकता है, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो। प्लस आपका कुछ गार्डन ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक गार्डन जैसे आपका इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार नहीं सकता है या कुछ इनऑर्गेनिक गार्डन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार नहीं सकते, इसमें काम नहीं होता है। लेकिन ये ऐसा एक प्रोडक्ट है कि हर कैटेगरी गार्डन में आपका काम, ऑर्गेनिक गार्डन में भी आपका काम होता है, इनऑर्गेनिक गार्डन में भी काम होता है। जहाँ पे आपका कोई पेस्ट का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उसमें ये देने के बाद उसका जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक डाउन करता है, फिर आपका पहले जैसे काम होता है, फिर आपका धीरे धीरे क्या होता है कि आपका वो जो लूपर का जो पॉपुलेशन है जैसे आपका पहले होता था वो बाद में ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे आपका कम हो जाता है। और मेरा वही रिक्वेस्ट है कि साल में मिनिमम 2 राउंड आप डाइपेल यूज कीजिए आपका गार्डन में। फर्स्ट ईयर में आपको ही दिखाई देगा कि कैसे रिजल्ट है इसका, फिर आपका नेक्स्ट ईयर दो राउंड का जगह में 1 राउंड देने से हो जाएगा और धीरे धीरे आपका पॉपुलेशन एकदम खत्म हो जाएगा, लूपर आपका गार्डन से चला ही जाएगा। और ये जो काम है ये आपका इसका जो है ये आपका एक्चुअली यहाँ पे आपका 3-4 दिया हुआ है। जैसे ये आपका स्प्रे किया है तो फर्स्ट स्प्रे करने के बाद ये जैसे आपका पत्ता में रहेगा तो पत्ता खाएगा, पत्ता खाने के बाद कुछ टाइम बाद ये क्या होता है कि वो फीडिंग स्टॉप हो जाता है। जब फीडिंग स्टॉप हो जाएगा तो पत्ता में आप लोगों को अगर देखेगा भी ना आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, और धीरे धीरे क्या होता है कि उसका अंदर में बैक्टीरिया चला जाएगा। तो ये जो है डाइपेल है आपका, इसका अंदर में है आपका बेसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया है, वो शॉर्टकट में आपका BT बोलता है, वो BT उसका पेट का अंदर चला जाएगा, जाके वो क्या करेगा वो उसका जर्मिनेशन होगा, करोड़ करोड़ लाख लाख आपका जर्मिनेशन होता है और 1 से 3 दिन का बाद ये पूरा गल जाता है और धीरे धीरे आपका ये जो है जितना है आपका मतलब पॉपुलेशन पूरा एक कंट्रोल में आ जाता है। फिर आपका इसका लेकिन इसमें आपका 2-3 सावधानी रखना है कि जिस दिन आप स्प्रे करेंगे उसमें 4 से 5-6 घंटा आपका वो बारिश वो मतलब वेदर देख के आपको स्प्रे करना है कि मतलब 4-5 घंटा 6 घंटा आपको मिल जाए। फिर ये आपका सजेशन है कि जैसे आपका ये जुलाई चल रहा है तो जुलाई अगस्त सितंबर इसी टाइम में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है तो 3 बजे के बाद ही आप लोग इसको यूज कीजिएगा।
तो इसमें क्या होता है कि वो आपका पूरा रात आपको मिल जाएगा, फिर आपका वो रात में लूपर भी आता है, आपका शेट्री से भी आता है, आके पत्ता खाएगा और नेक्स्ट डे से आपको दिखाई देगा कि ये धीरे 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 सब लोग आपको ड्रॉप करके नीचे गिर रहा है, या आपका दो दिन बाद देखेंगे कि धीरे धीरे वो लोग जो होता है कि आपका काला हो जाता है और फिर आपका वो धीरे धीरे गल जाता है, तीन दिन का बाद तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। इसमें और चीज है, इसमें टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो है, तो टाइम ऑफ एप्लीकेशन इसमें दिया हुआ है कि अर्ली सीजन, मिड सीजन एंड लेट सीजन। तो अर्ली सीजन में क्या होता है कि अर्ली सीजन कब से शुरू होता है, जैसे फेब्रुअरी लास्ट से आपका मार्च से, उस टाइम में क्या होता है कि लूपर या रेड स्लग हो उसका साइज थोड़ा छोटा रहता है और उस टाइम में आपका थोड़ा रहता है, तो ये सिंगल उस टाइम में आप सिंगल यूज कर दीजिएगा। अगर उस टाइम में आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे तो पूरा साल के लिए आप एकदम टेंशन फ्री। अगर उस टाइम में आप लोग किसी ने उस टाइम में शायद हम लोग पहले से आप लोग को नहीं बोला हुआ या किसी ने भूल गया होगा या किसी ने दिया नहीं, तो अगर अभी इस टाइम में अगर आप लोग देना चाहता है तो ये कोई जैसे मोलिकुल में आपका काम नहीं हो रहा है तो कोई मोलिकुल का साथ ये आपका कॉकटेल करके भी दे सकता है, या कोई मोलिकुल केमिकल स्प्रे करने के बाद सेकेंड राउंड डाइपेल दे सकता है, या कोई अभी देने वाला है तो पहले एक राउंड आप डाइपेल यूज कर लीजिए, इसके बाद दो दिन तीन दिन बाद आप दूसरा मॉलिक्यूल दीजिए। इसमें 100% जो मॉलिक्यूल में पहले काम नहीं हुआ था उसी मॉलिक्यूल में आपका दोबारा फिर से एकदम नया जब कंपनी लॉन्च किया जैसे काम हुआ था वैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि आपका गार्डन फिर से मतलब नया स्टार्ट हो जाएगा, नया उसका शुरुआत हो जाएगा, तो वो टेंशन होता है कभी कभी। तो और क्या होता है कि टारगेट पेस्ट में आपका काम नहीं होता है, या आपका जलन होता है, या आपका किसी टाइम में वो आपका दोबारा स्प्रे करना पड़ता है, तो आपका झंझट से आप लोग मुक्त हो जाएंगे। फिर आपका लेट सीजन उसका तो आपका लास्ट में जब आपका होता है तो उस टाइम में भी आप यूज कर पाएंगे। तो डाइपेल का जो बेनिफिट्स आपका तो मोटा मोटी मैंने बोला जो पहले जो है वही मोर लेस। तो ये आपका 50 टाइप्स का जो आपका लूपर का कैटेगरी है, हाँ लूपर कैटर प्लस सब मिला के, तो इसमें सब होता है और इसका कंसिस्टेंसी इसका परफॉर्मेंस होता है। ऐसे बात नहीं है कि जैसे मॉलिक्यूल का एक बार काम होता है सेकंड टाइम आपका उसका काम पहले जैसा होता नहीं है, लेकिन इसका अगर आप 5 साल भी यूज करेंगे तो 5 साल आपको मतलब सिमिलर आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसका डोज, टाइम ऑफ एप्लीकेशन और इसका जो वाटर वॉल्यूम है वो एकदम सही होना है। सुबीर इसमें और एक बार मैं आपको रिपीट, हाँ इसमें जो देखिए ना आप, ये है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो स्पोर क्वालिटी है, इसमें थोड़ा सा मैं और इजी लैंग्वेज में इसको आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, अभी हम लोग का लास्ट 1.5 साल से कोरोना माहौल है चारों तरफ। कोरोना माहौल के लिए ऐसा हो गया कि आदमी आदमी से मिलता नहीं है, इतना टेंशन हो गया है। तो ये तो इलाबोरेट करने का कोई बात नहीं है, एवरीवन इज वेरी अवेयर क्या चल रहा है हम लोग का चारों तरफ। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट एक अच्छा चीज हुआ है वो हुआ है कि हम लोगों का नेचर वो अपने पास रिटर्न करके आए हैं, जो हम लोग पूरा ही खो दिया था। इतना पॉल्यूशन हो गया था, इतना सब कुछ खराब हो गया था, ना आपका बाहर में निकल सकता था, ना पानी इस तरह से सही होता, पंछियों का जो है वो चला गया था, पौधों का जो है वो सब खराब हो गया था। लेकिन अभी आप बिना पूछे पानी होते ही जा रहा है पूरा साल, पंछी जो एकदम चला गया था वो सब पंछी फिर वापस आ रहा है। तो दिस इज व्हाट किया, ये जो आपका सिस्टम चेंज हो गया था, ये सिस्टम दोबारा आपका भगवान ने बोलो आपका नेचर ने इसको लौटा दिया है। तो डाइपेल से क्या होता है, जैसे गार्डन है हम लोगों का, हम लोग सालों के बाद सालों, सालों के बाद सालों पौधा उठा रहा है, पौधा ले रहा है, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहा है, पेस्टिसाइड्स दे रहा है, चल रही है। लेकिन हम लोगों का अपार्ट फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, हम लोगों का ये जो सुमिटोमो केमिकल से आज जो सेशन चल रहा है बायो प्रोडक्ट का, इसका टारगेट क्या है कि आप लोग अपार्ट फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, गुड पेस्टिसाइड्स, आप लोग इस तरह का बायो प्रोडक्ट में भी फोकस करो, सो दैट कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, आपका जो प्लांटेशन है बहुत सही रहे, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करके किस तरह से हम लोग अपने नेचर को भी बचाएंगे, ह्यूमन के भी सेफ रहेंगे और
अपना जो टी का प्लांट है उसको भी सही रखेंगे, चारों तरफ आपको रखना है, नहीं कि से पौधा मार रहा है और उसके बाद में जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसमें हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये बीटी देने में क्या होता है, ये जो बोला सुबीन ने अभी कुछ देर पहले बहुत बढ़िया से, इसका ना एक तो इकोलॉजी इकोसिस्टम जो पूरा चेंज हो जाता है गार्डन में, इसका जो एडिशनल स्पोर क्रिएट होता है ना, इस स्पोर क्रिएशन के वजह से इसका इकोसिस्टम चेंज हो जाता है और इसका वजह से इसका कंटिन्यूएशन जो है कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है। आप हम लोग जो जो रेजिस्टेंस जो डेवलप कर गया है एक के बाद यूज करते हुए, हम लोगों का रिक्वेस्ट है आप लोग इस बीटी को साल में दो बार यूज कीजिए और देखिए आपका बाकी प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक ठाक डोज में काम कर रहे हैं और हम लोगों का जो टारगेट पेस्ट है बीटी के लिए लूपर, वो डे बाय डे आपका कम होते हुए आपका लूपर रहेगा ही नहीं गार्डन में। और इसका सबसे बेस्ट टाइम है आफ्टरनून में स्प्रे करो शेड, माने पूरा रात वो पत्ते में रहेगा। और एक चीज नोटिस करना, आपका लूपर आए तभी स्प्रे करना, नॉट दैट की लूपर से पहले, क्योंकि इसको खाना पड़ेगा। लूपर के अंदर अल्कालाइन सॉल्यूशन में जाने के बाद इसका जो जर्मिनेशन चालू होता है दैट इज ओनली आफ्टर ईटिंग द लीफ, वो जो लीफ के ऊपर रहेगा उसमें आपका रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको पहले स्प्रे कर देगा, लूपर आए नहीं 10 दिन बाद लूपर आ रहा है बोल के आप लोग उस सेक्शन में स्प्रे कर दिया तो आपका ठीक नहीं रहेगा प्रैक्टिकली। राइट सुबीर, कंटिन्यू। राइट, थैंक यू सर। तो अभी थैंक प्लस माने डाइपेल जो इतना टाइम मैंने और सर ने जो बोला, तो डाइपेल का साथ में यहाँ पे और एक टू फोटो आप लोग को देखने को मिलेगा, इसका नाम है सुमीप्लियो। सुमीप्लियो भी वेरी सेफेस्ट मॉलिक्यूल है और सुमीप्लियो मार्केट में अभी तक आया नहीं, तो इसमें एक तरवाल का एक चिन्ह है। तो सुमीप्लियो ऑलरेडी हम लोग TRA टोकलाई में ऑलरेडी दे के रखा है और CIB अप्रूव हो गया है, इसका भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है आपका लूपर और रेड स्लग में। वो आपका मोस्ट प्रोबेबली इस साल को ही, मतलब इस सीजन में मिलने का चांस है, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर से तो आपको मिलेगा ही। लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है, जैसे जैसे कि हम लोग बोला था कि मॉलिक्यूल जैसे चेंज करना चाहिए कभी कभी, और नहीं तो कोई मॉलिक्यूल से जैसे काम नहीं हो रहा है तो बीच में डाइपेल एक बार जरूर आप लोग एंट्री कीजिए। और अगर कोई ऐसा आप लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है तो डाइपेल देन एक बार सुमीप्लियो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। सुमीप्लियो ग्रीन ट्रायंगल है, वो भी वेरी सेफेस्ट है, ये भी आपका टारगेट पेस्ट में आपका काम करता है, ये भी आपका कोई हानि नहीं पहुंचाता है कि एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का, फिर आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट का। तो हम लोग का अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आप लोग का सामने ला रहे हैं कि आप लोग का अच्छा हो। और जैसे कि मतलब आसाम और वेस्ट बंगाल डुअर्स दोनों तरफ हम लोग का चाय का जो है वो वर्ल्ड में फेमस है, और चाय को अगर हम लोग जितना क्वालिटी दे पाएगा इतना हम लोग को भी अर्निंग आएगा, फिर आपका वर्ल्ड में भी हम लोग का वही रेपुटेशन अच्छा बने के रहेगा। फिर इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसको मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट में हम लोग कन्वर्ट करें। कुछ 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 एरिया में तो ऑलरेडी ऑर्गेनिक शुरू भी हो गया, तो वहाँ पे जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और इसमें हम लोग का जितना है हम लोग का एम्प्लॉइज है मार्केट में आप लोग को मिलेगा, वहाँ पे आप लोग फीडबैक भी दीजिएगा। तो इसमें और एक तो जैसे स्लाइड है वेजिटेबल्स बोल के है, क्योंकि हर एरिया में चाय का साथ कुछ कुछ एरिया में आप लोग का वेजिटेबल्स भी लगाता है, सब्जी वगैरह लगाता है। तो इसमें जैसे आपका पत्ता खाने वाला कीड़ा हो, या आपका जैसे टोमेटो में आपका टोमेटो छेदा करने वाला कीड़ा हो, या आपका शूट में जैसे आपका पेड़ का अंदर में आपका कीड़ा घुस जाता है, फिर आपका कैबेज जैसे आपका बंदा गोभी हो गया, फूलगोभी हो गया, फिर आपका करेला हो गया, तो इसमें जो आपका लैदा घुस जाता है, जो आपका कीड़ा घुस जाता है वो पत्ता खाता है, उसी में सुमीप्लियो और डाइपेल दोनों मिला के अगर आप लोग स्प्रे करेंगे उसमें 100% आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। फिर ये आपका फूड सेफ्टी का भी आपका गारंटी देता है कि इसमें घर के लिए सब्जी भी आप लोग लगाता है उसमें भी आपका कोई साइड इफेक्ट है नहीं, फिर रिजल्ट भी आपको अच्छा से मिलेगा। तो थैंक यू। आगे पूंजीपति के बारे में मैक्सिमम जानते हैं तो सर ने कुछ बोलेगा। थैंक यू। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट इज पूंजीपति।
ये हम लोगों का फास्ट प्रोडक्ट है, अभी तक इसका और कोई है नहीं कि ये रेडिली यूजेबल ज़ेब्रा लीक जो है ये मार्केट में ले आए। हम लोगों का साइंटिस्ट जो है बीबीसी का रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट, उन लोगों के अपना बहुत दिन का रिसर्च के बाद, क्योंकि प्रोजीब जो है ज़ेब्रा लीक है ना, उसमें एसीटोन मिलाना पड़ता है इन द नेम ऑफ एल्कोहल, क्योंकि उसके बिना ये तो सिर्फ पाउडर एंड डस्ट है। तो लेकिन ये प्रोजीब इजी जो है, इसमें रेडिली यूजेबल ज़ेब्रा लीक है, मतलब ये आपको कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट आप छोटा डब्बा में लगाओ, उसमें पानी दो और अपने स्प्रे करो। नेक्स्ट, मैंने जो बोला वर्ल्ड्स बेस्ट एंड इंडियाज फर्स्ट कैन्यूल फॉर्मेशन इन ज़ेब्रा लीक एसिड, ये यहाँ पे ये जो है सुमिटोमो केमिकल्स पेटेंटेड मॉलिक्यूल है ये, एंड डायरेक्टली सॉल्युबल इन वाटर। मैंने जो बोला अभी फर्स्ट इन वर्ल्ड जो है आपका ये पानी में डायरेक्ट ये घुल जाता है, एंड आपका जो ये है अपटेक एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छे से होता है। एंड ऑब्वियसली अगर सही तरह से वो मिक्स जाता है तो कन्वीनियंट टू हैंडल, and no need to any other solvent to add it. ये देखिए हम लोग इसमें ज्यादा टेक्निकली नहीं जाएंगे, रिजल्ट दिखाएंगे। हम लोग जो है सुमिटोमो वाले वो रिजल्ट में बिलीव करते हैं, फील्ड्स में बिलीव करते हैं, काम पे बिलीव करते हैं। ये जो पौधा देख रहे हैं ये 10 ग्राम पर 200 लीटर ऑफ वाटर का दिया हुआ है, ये आसाम का पिक्चर है, आसाम का चाय बागान का पिक्चर है जो कि हम लोग ने आपके लिए सामने आफ्टर यूजिंग अ प्रोजीबीजी इसका पिक्चर आपके सामने ही दिख रहा है। इससे बढ़िया वाला क्वालिटी का जो है ये तो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, इसके साथ हम लोग थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं होशी बोल के, हम लोगों का एक तो बंच ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको हम लोग ये चाय बागान में यूज करता है, और इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर द स्ट्रेस कंडीशन एंड फॉर अदर्स आल्सो, क्योंकि क्रॉप बिना कुछ होता नहीं है। आई नो देयर इज ए बहुत सारा इसके पीछे है, लेकिन जो भी बोलो क्रॉप चाहिए तो क्रॉप के लिए जो है हम लोगों का ये कॉम्बिनेशन है प्रोजीबीजी और होशी। जैसे होशी आप 300 ml पर 200 लीटर पानी में देंगे, तो आपका प्रोजीबीजी 5 ग्राम 200 लीटर पानी में देने के बाद ये रिजल्ट आपके सामने ही है, ये रिजल्ट आपका सामने ही है। इसमें जिंक, मैंगनीज, आयरन, Ze3 एंड 0.001 ज़ेब्रा लीक इसमें भी रहता है। इसको चाहे आप एक साथ में मार सकते हो, नहीं तो अलग भी होशी मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग अगर यूज करोगे इसको कंसेक्यूटिव, आपको दो बार लगाना पड़ेगा आफ्टर 3 plucking rounds, तब आपको पता चलेगा इसका रिजल्ट कैसे है। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही बताया है इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम बीबीसी वैलेंट क्रॉप साइंस। इसका जो क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, क्योंकि पिछले 9 साल से हम लोग ये होशी को लेके काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई एडवर्स और कोई नेगेटिव रिजल्ट्स अभी तक तो आया नहीं है, तो आगे भी नहीं आएगा। लेकिन इसको आप लोग बिना टेंशन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, और एक प्लॉट का है वो भी असम का है, ये देखिए आपका, ये देखिए ब्लेंड ऑफ मैजिकल, ये जो होशी 300 ml और प्रोजीबीजी दिया हुआ है, और आप लोग ये सेक्शन देखिए, ये दोनों का मिला हुआ है प्रोडक्ट के बारे बाद में जो चाय बागान का जो है आपके सामने, इसका ग्रोथ, इसका यील्ड जो है और इसका कलर, ये सब कुछ बहुत अच्छे हो जाता है, मतलब नजर लग जाता है, ऐसे हो जाता है इसके देने के बाद। तो कोशिश किया है आप लोगों के सामने थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिजल्ट को लेके आने के लिए। देखिए और एक रिजल्ट देखिए, दिस इज आफ्टर 1 month ओनली, आफ्टर 1 month 40 days ओनली यूजिंग होशी एंड प्रोजीबीजी, होशी और प्रोजीबीजी दोनों देने के बाद ये एक से एक 40 दिन का बाद का रिजल्ट है। अभी इस सेक्शन में दोबारा भी स्प्रे हो गया, इसके बाद अभी पत्ते रखने का जगह नहीं है, इसको लगातार पत्ते आ रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफाइंट में है सुबीर, हाँ
तो इसमें कोई कोई वेजिटेबल्स में भी अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो प्रोजीबीजी जैसे आपका चिली चिली हो गया, इसमें भी 5 ग्राम एकर आप लोग यूज कर सकते हैं। मतलब एकर मतलब 200 लीटर पानी में 5 ग्राम। अगर पॉटेटू में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। पॉटेटू में ड्रेंचिंग भी होता है और फिर आपका स्प्रे भी होता है, तो पॉटेटू में भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सोयाबीन में भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ब्रिंजल में भी ट्राई कर सकते हैं। और इसका जो प्लस पॉइंट है कि प्रोजीप का साथ, मतलब प्रोजीप सिंगल नहीं यूज करके किसी के साथ में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे इसका कोई एक्स्ट्रा आपका लेबर कॉस्ट है नहीं। तो थैंक यू, आज का प्लस हमारे अखमर सकल कृषक बंधु सबके बहुत बहुत धन्यवाद, कारण अपना लोगों এইটো সময়টো আমাক দিলে ইমান মূল্যবান সময়। প্লাস আমি আশা করছো যেটো ভরসাতে যেটো মানে আমি লক্ষ্যরে আপনার ওসরতে আজি আহিছো লাইভত, সেটো যাতে আপনার সাকসেস হয় অহা দিনতে, আর প্লাস সবে যাতে লাভময় হয় আমি সেটো আশা করছো, প্রার্থনা করছো। আমার মেইনলি এতিয়া আমার একচুয়ালি সুমিটো মোর ইনঅর্গেনিক প্রোডাক্ট আরও আছে, বাট আমার অর্গেনিকর ভিতরতে যেহেতু অর্গেনিক আজি সেশন আসলে সেই কারণে আমি তিনটা অর্গেনিক প্রোডাক্ট করলো। থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ, ডুয়ার্সের সকল কৃষক বন্ধু। সাগর জি, সুবীর জি, কুছ কোয়েশ্চনস হ্যায় আমারে পাস। হ্যাঁ জি, তো আপ ইউটিউব লিংক ওপেন করতে হ্যায় তো আপকো ওয়হাঁ পে দিখেঙ্গে, ক্যোঁকি দ্যাট ইজ ইন ওকে বেঙ্গলি। संजय सर आप देखिए एक बार बंगाली में कुछ पूछा है। द गाइस इज देयर ना टू, उन लोगों को बोला हुआ है, उन लोग शायद सॉल्व कर रहे, कौशिक ने भी सॉल्व किया है कुछ। ओके ग्रेट, मुझे लगता है जो भी क्वेश्चंस थे वहां पे चैट बॉक्स पे हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने आंसर कर दिए हैं मोस्ट ऑफ। हां कर रहे हैं, रेस्पेक्टिवली कर रहे हैं। कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हमारे जो एक्सपर्ट इस कॉल में कनेक्टेड है वो आपको चैट बॉक्स में ही उसका आंसर दे। साथ ही साथ हमारे साथ इस कॉल में चिरंजीत जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बायोरेशनल प्रोडक्ट है उसके बारे में आपका जो एक्सपीरियंस रहा है टीम में उसके बारे में आप हमें बताइए। यस, थैंक यू, थैंक यू सागर जी, एम आई ऑडिबल? यस यस कंप्लीटली। यस, एक्चुअली थैंक यू एवरीवन, दोबारा आप सब लोगों को ये सुमितोमो का जो ये सेशन है उसमें ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तो बायोरेशनल प्रोडक्ट के बारे में संजय दादा, सागर जी और सुबीर ने जो बोला तो वो तो सब बोल ही दिया। तो बाकी एक ही चीज कहना है कि ये बायोरेशनल जो प्रोडक्ट है अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फसल में कोई कीड़ा होता है या आपका कोई डिजीज होता है तो हम इनऑर्गेनिक यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो यूज होता है वो यूज करते हैं। और इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में जो होता है हम लोगों को थोड़ा क्विक रिलीफ मिल जाता है, लेकिन हम लोगों का नेचर में जो है, नेचर में वो कुछ गलत इफेक्ट डालता है और हम लोगों का जो जो मिट्टी का जो सब फ्रेंड कीड़ा होता है वो सबको मार देता है। लेकिन जैसे सुबीर ने बोला, संजय दादा ने बोला, ये हम बायोरेशनल प्रोडक्ट अगर यूज करता है ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है और ये हम जिस टारगेट पेस्ट के लिए यूज करते हैं या जिस टारगेट डिजीज के लिए यूज करता है ये सिर्फ उसी को मारता है और बाकी कोई भी कीड़ा के लिए वो जो हेल्पफुल है हम लोगों का मिट्टी में रहता है या उसको उस पे ये सब का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। इसलिए बायोरेशनल प्रोडक्ट जो है ये हम लोगों का अभी के लिए वो बहुत ही मीनिंगफुल होता है, लेकिन इसका जो है इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। काम करने का तरीका संजय दादा ने और सुबीर जी ने आपको बोला है, तो काम करने का
इसका थोड़ा टाइम ऑफ जो काम करने का टाइम वो थोड़ा ज्यादा लग जाता है, इसलिए हम लोग ये बायोरेशनल प्रोडक्ट को यूज करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं कि हम लोग यूज करते हैं, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि अरे आज बगान में कोई कीड़ा देखा, हम कोई दवाई डाल दिया, कल ही उसको मर जाना चाहिए। लेकिन बायोरेशनल प्रोडक्ट जो सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, वो सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में उतना जल्दी एक्शन नहीं मिलता है, 2-3 दिन में एक्शन हमको मिल जाता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये बाकी एनवायरनमेंट के लिए या ह्यूमन बींग के लिए या जो सब फ्रेंड इंसेक्ट रहता है मिट्टी में या एनवायरनमेंट में, उसमें ये कोई खराब इफेक्ट नहीं फेंकता है, इसलिए ये फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे सुमिटोमो का कॉन्सर्न है, सुमिटोमो हमेशा फ्रेंड का अच्छे फार्मर का अच्छे के बारे में ही सोचा है, और फर्स्ट टाइम जो जितना भी माइक्रोराइजा यूज होता है, जैसे पहले भी इस सेशन में बोला है, उसमें सबसे अच्छा क्वालिटी का जो माइक्रोराइजा वो सुमिटोमो ही देता है, नेचर डिप देता है। जैसे इसका मीनिंग है कि नेचर मतलब नेचर के डीप से जो सब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उसको उसको निचोड़ के ये केमिकल तैयारी होता है, और ये बहुत अच्छे क्वालिटी का है, यूएसए से इंपोर्ट होता है और ये हम लोग बेचते हैं। इसका एडवांटेज क्या है ये आपको बोला, डाइपेल के बारे में एक ही चीज बोलना है। डाइपेल के बारे में जैसे पहले स्पीकर सब बोला है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग अगर हम लोगों को हर दिन आपको मटन दे दे तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे इंसेक्ट का भी नेचर वही है, अगर उसको हर टाइम एक ही खाना दे देते हैं हम, तो वो उसको खाने में अच्छा ही नहीं लगता है। और जैसे ज्यादातर लेपिडोप्टेरन पेस्ट का कंसर्न है, ज्यादातर लेपिडोप्टेरन पेस्ट का मारने के लिए जो केमिकल यूज होता है वो सिस्टेमिक होता है, और जिसका मीनिंग है जो वो इंसेक्ट उसको खाएगा, उसको फिर पॉइजनिंग होगा, फिर वो मरेगा। तो जैसे मैं बोल रहा था कि हर रोज अगर हम लोगों को एक खाना देते हैं तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, तो क्योंकि हम लोगों को रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है कि आज भी ये खाया, कल भी वो खाया, तो हम खाएंगे ही नहीं तीसरे दिन। और अगर खाएंगे नहीं, ये जैसे लेपिडोप्टेरन पेस्ट को मारने के लिए मैं बोल रहा था कि अगर उसको मारना है, कोई भी केमिकल हम लोग स्प्रे करते हैं तो वो केमिकल उसको खाना है, वो फिर पॉइजनिंग होगा, फिर वो मरेगा। तो डाइपेल क्या करता है, डाइपेल ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, और ये रेजिस्टेंस को ब्रेक हो जाता है तो ये जो हम एग्जिस्टिंग जो केमिकल हम यूज करते हैं वो एग्जिस्टिंग केमिकल का इफेक्टिविटी भी बढ़ा देता है, और इसको हम कोई भी दवा के साथ इसको मिला के यूज कर सकते हैं। हमारे कंपनी का भी हो सकता है या दूसरा कोई भी कंपनी का दवा के साथ इसको मिला के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरे को बोलना था, बाकी तो सब कुछ बोल ही दिया। मेरा पहला जो स्पीकर है, बहुत अच्छा सेशन रहा, फिर एक बार आप सब लोगों को ये सेशन में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू चिरंजीत जी। मुझे लगता है काफी समय हो चुका है, जो भी हमारा मीटिंग का उद्देश्य था, डाइपेल, नेचर डीप और प्रोजिप इजी के माध्यम से हमने काफी इन डिटेल जानकारी, इन डेप्थ जानकारी जो है यहाँ पे हमारे टी एक्सपर्ट सुबीर जी और संजय जी, उन्होंने आपको दिया है। और भी अगर इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हम टी गार्डन में कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम दे सके। और जस्ट जाते जाते मैं सुबीर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे टी ग्रोअर्स को जस्ट ये बता के जाइए कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ अवेलेबल है मार्केट में, कौन कौन से मार्केट में वो नॉर्मली अवेलेबल है, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा टी गार्डन ओनर जो है उसको परचेस कर सके। एक तो आप लोग एक नंबर लिख सकता है, 2-3 नंबर मैं आप लोग को दे दूंगा, दोबारा इसको रिपीट करके भी आप लोग सुन सकते हैं। एक नंबर है आपका, इसका नाम है दिव्यज्योति भुइया, 600-695952। मैं दोबारा बोलता हूँ, 600-695952। जोरहाट में है दिव्यज्योति भुइया, और ये पूरा एरिया घूमता है। उनका साथ आपका ये डायरेक्ट सुमिटोमो का एम्प्लॉई है,
उनके साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लस जोरहाट में एग्रीकल्चर सर्विस है, VRS है, सिरोयनसोन से, गोलाघाट में आपका SP एग्रो है, जालान है, बोकाघाट में आपका केमिकल हाउस है, सब में मिल जाएगा। फिर आपका तिनसुकिया में भी आपका कोई दुकान में सब दुकान में मिल जाएगा, डिब्रुगढ़ में मिल जाएगा, डुअर्स में, मोयनागुरी में, इस्लामपुर में, धूपगुरी में, सब जगह में मिल जाएगा। और एक सिलीगुड़ी में एक नंबर देख सकते हैं आप, नाइन 6746326670, इसका नाम है सौरभ। तो सौरभ को भी कांटेक्ट करने से सौरभ भी आप लोगों को हेल्प कर पाएगा। और एक नंबर लिख सकते हैं आप, तापोस 9495477500। और बाकी ग्रुप में जो अभी लिंक है, इसमें भी अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हम लोग इसमें भी रिप्लाई दे देगा। बाकी हर जगह में आप लोग को मिल जाएगा। फिर विश्वनाथ चायली में भी मिल जाएगा, वासुदेव फर्टिलाइजर, फिर सोनितपुर एग्रो, इधर आपका बेचीमारी खारूपीटिया साइड, तो सब जगह में मिल जाएगा। सिर्फ जाके एक बार बोलिएगा कि सुमितोमो का प्रोडक्ट और नाम बोलिएगा। तो आज का मेन वही था, डाइपेल्स, प्रोजीबीजी, नेचर डीप, सुमिप्लियो, फिर आपका इधर आपका होशी। थैंक यू शेखर जी। थैंक यू वेरी मच। यही समझ में आता है दोस्तों कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो सभी जगह उपलब्ध है, बस आपको नाम से वो मांगने पड़ेंगे ताकि जो शॉपकीपर है वो आपको वो हमारे जो बायो रेशनल से वो दे। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रेजेंटर का और जितने भी ग्रोवर्स यहाँ पे अभी इस कॉल में जुड़े थे और आगे जाके भी जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका कीमती समय आपने इस प्रोग्राम को दिया जिसका नाम है बायो रेशनल नेक्स्ट। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।